जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल के अंतर्गत पिछले दो महीनों से बंद की गई सड़क खुलवाने गए पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को महिला के विरोध का सामना करना पड़ा। महिला का कहना था कि यह सड़क उसकी मलकित भूमि पर बनी है और सड़क न खोलने पर अड़ी रही। बड़ी मुश्किल से प्रशासन और पुलिस ने रास्ता खुलवाया है। जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल के अंतर्गत पिछले दो महीनों से बंद की गई सड़क को खुलवाने गए पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को महिला के विरोध का सामना करना पड़ा। महिला का कहना था कि ये सड़क उसकी मलकियत भूमि पर बनी है और सड़क न खोलने पर अड़ी रही। महिला ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के कर्मचारियों पर हाथापाई का प्रयास भी किया। इस दबंग महिला ने काफी समय तक प्रशासन पुलिस को रास्ता खोलने से रोके रखा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से प्रशासन और पुलिस ने रास्ता खुलवाया। ग्राम पंचायत तंबोल के तंबोल नेराकोंड संपर्क मार्ग को आवाजाही के लिए बहाल किया और सैकड़ों ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने पहले इस संपर्क मार्ग को एक व्यक्ति और महिला ने, जहां पर उसकी मलकियत भूमि थी, उस पर बड़े बड़े पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिया था, जिसके चलते तंबोल पंचायत के नेराकुंड, आधा तंबोल गांव, चियोटा व खुंडकल आदि गांवों की जनसंख्या को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को अपने वाहन तंबोल सड़क पर खड़े कर 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर घरों तक पहुंचना पड़ रहा था, तो वहीं ट्रैक्टर आदि न जाने से लोगों के खेत अभी तक जोते नहीं गए थे। लेकिन अब मार्ग बहाल करने से उक्त गांवों की जनता ने राहत की सांस ली है और एसडीएम स्वारघाट का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि तंबोल से नेराकुंड के लिए बनाया गया संपर्क मार्ग करीब 35 साल पुराना है, जिसे उक्त व्यक्ति जिसने मार्ग को रोका था, उसकी माता की सहमति से उनकी जमीन से निकाला गया था और उस समय कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि नहीं की जाती थी, केवल सहमति से ही सड़क निकाल दी जाती थी। करीब दो महीने पहले उक्त व्यक्ति ने इस मार्ग को बड़े बड़े पत्थर फेंक कर बंद कर दिया था। हालांकि उसने मार्ग किस कारणवश बंद किया नहीं बताया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम स्वारघाट से की थी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति की माता को एसडीएम कार्यालय बुलाया गया था, जहां पर व्यक्ति की माता ने उक्त मार्ग पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी। इसके बाद एसडीएम स्वारघाट अनिल चौहान ने लोक निर्माण विभाग सड़क मार्ग को खोलने के आदेश 31 मई तक दिए थे। 31 मई को तो किसी कारणवश मार्ग बहाल नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को लोक निर्माण विभाग ने इसे मौके पर जाकर खुलवा दिया है। मौके पर एसडीओ पीडब्ल्यूडी मौजूद रहे और जेसीबी द्वारा पत्थरों को सड़क से हटाया गया।